हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट 4 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। असाइनमेंट 1, 2, 3 भी इसी चैनल में अपलोडेड है, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हो। तो आइए हमारा वीडियो जो है शुरू करते हैं, जो कि है सॉल्यूशन असाइनमेंट 4 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी कि आपको करेक्ट अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला है बेनकिन शॉप डिड नॉट आयरन द यूनिफॉर्म बिकॉज, यहाँ पर 4 ऑप्शंस है ना, हीज हैंड वाज एकिंग, सेकंड में हीज ग्रैंड मदर डाइड, थर्ड में है ही हैड बीन टू द डेंटिस्ट, एंड फोर में है ही वाज स्टडिंग फॉर द मैक्स टेस्ट। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बन जाएगा हीज हैंड वाज एकिंग। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बेनकिन शॉप मिस्ड द डैश टेस्ट, यहाँ पर ऑप्शन बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इज मैक्स टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ पी ई इन द पोयम एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस इज, पी ई का फुल फॉर्म क्या होता है अकॉर्डिंग टू द पोयम, पी फॉर फिजिकल एंड ई फॉर एजुकेशन, मतलब फिजिकल एजुकेशन है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर, फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है बेनकिन शॉप डिड नॉट ब्रिंग द डैश फॉर पीई, पी के लिए बेनकिन शॉप क्या लेके नहीं आया था, दैट इज किट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हु रोट द पोयम एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस, मतलब इस पोयम का पोएट कौन है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर, दैट इज गैरेथ ओवेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, आप लोगों को इसमें मैचिंग करना है, तो इधर आप लोग पढ़ोगे और इधर पढ़ोगे और जो इसके साथ मैच होगा उसको टिक मिलान करना है ना। तो पहला में दिया गया है आई हैड नेवर बीन एब्रॉड, मतलब मैं एब्रॉड कभी नहीं गया हूँ, आई हैव नेवर बीन एब्रॉड, एब्रॉड यानी फॉरेन कंट्रीज, विदेश है ना। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है, बिफोर आई विजिटेड सिंगापुर, यहाँ पर जो तीसरा में दिया गया है ना, तीसरा में बिफोर आई विजिटेड द सिंगापुर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं कभी भी विदेश नहीं गया था सिंगापुर जाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैड रीच्ड होम, मैं घर पहुँच चुका था, व्हेन द रेन स्टार्टेड, यानी कि इधर का 4 इधर का 2, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 1 का आ जाएगा आपका 3, 2 का आ जाएगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट चुका था, ट्रेन चालू हो गया था, कब, इसमें आएगा आपका बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, मतलब मेरे स्टेशन आने से पहले ट्रेन ऑलरेडी जा चुका था है ना। तो बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन कहाँ पर है, 3 का हो जाएगा आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैड कम्प्लीटेड माई वर्क, इसके साथ कौन सा मैचिंग होगा, लास्ट वाला 5 वाला है ना, 4 के साथ हो जाएगा 5, दैट इज, एंड देन आई वेंट टू स्लीप, और बचा क्या 5 नंबर, दे हैड ऑलरेडी बोर्डेड द फ्लाइट व्हेन द अनाउंसमेंट वॉज मेड। ठीक है, तो ये इसको कर लेंगे आप लोग है ना, मैचिंग मैं बता दी हूँ, अच्छे से देख के कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, आप लोगों के सामने एक पैसेज दिया हुआ है ना, तो उसको आप लोग अच्छे से 2 बार 3 बार रीड करोगे आराम से और क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इसको रीड करना। पुअर कंसिडरेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ टाइम ऑल इंस्पायर हैबिट्स ऑफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी इज द पोलाइटनेस ऑफ द किंग्स, द ड्यूटी एट जेंटलमैन एंड द नेसेसिटी ऑफ मैन ऑफ बिजनेस, इट इज वन ऑफ द वेज इन विच वी शो आवर पर्सनल रेस्पेक्ट फॉर दोज हुम वी आर कॉल्ड अपन टू मीट इन द बिजनेस ऑफ लाइफ, एन अपॉइंटमेंट इज एन एंगेजमेंट एंड ही हु डज नॉट कीप इट इज गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग फेथ, the person who is careless about time is careless about business and is not a person to be trusted in the matter of importance, one day Washington's secretary came late, he blamed his watch for coming late, Washington said to him you must get another watch or I must get another secretary।
ठीक है। तो इसको आप लोगों को पढ़ के एक आइडिया हो गया होगा कि ये पैसेज जो है पंक्चुअलिटी के बारे में दिया गया है, है ना। तो इसमें आप लोगों को नज़र आ रहा होगा चार क्वेश्चंस, जिसका आंसर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई पंक्चुअलिटी। तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है पंक्चुअलिटी इज़ द पोलाइटनेस ऑफ द किंग्स, द ड्यूटी एट जेंटलमैन एंड द नेसेसिटी ऑफ मैन ऑफ बिजनेस। तो इसको आप लोग देख सकते हो और देख के भी लिख सकते हो। पंक्चुअलिटी इज द पोलाइटनेस ऑफ द किंग्स, द ड्यूटी एट जेंटलमैन एंड द नेसेसिटी ऑफ मैन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग फेथ। इसमें आएगा ही हु डज नॉट कीप पंक्चुअलिटी इज गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग फेथ। क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया गया है व्हाट टाइप ऑफ मैन इज नॉट टू बी ट्रस्टेड, द पर्सन हु इज केयरलेस अबाउट टाइम, इज केयरलेस अबाउट बिजनेस एंड इज नॉट ए पर्सन टू बी ट्रस्टेड। एंड लास्ट क्वेश्चन है हुम डिड वाशिंगटन्स सेक्रेटरी ब्लेम फॉर हिज कमिंग लेट। वाशिंगटन के जो सेक्रेटरी थे वो किसको ब्लेम करते हैं, जो लेट आए थे ना वो, तो किसको ब्लेम करेंगे। वाशिंगटन सेक्रेटरी ब्लेम्ड हिज वॉच फॉर हिज कमिंग लेट। वो अपने घड़ी अपने वॉच को ब्लेम करते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से केयरफुली पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आराम से उसका आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट एक पोयम भी दिया हुआ है आपको, है ना। तो पहले भी पोयम को भी पढ़ते हैं। द कोल्ड विंटर विंड्स ब्लोइंग हार्शली थ्रू द ट्री, स्नो अंडर माई फीट बोदरिंग माई टोज एंड माई नोज, विच इज इन डीप फ्रीज स्नगल्ड अंडर अ वर्म क्विल्ट, जस्ट कैन नॉट स्टे अप लेट क्रैकल ऑफ ए फायर एट नाइट, विथ हॉट वाटर बॉटल्स क्लोज्ड टू माई साइड एंड आई हैव टू गेट अप अगेन एंड गो आउट इन द कोल्ड टुमारो मॉर्निंग, आई फील सो स्लीपी, हाउ वंडरफुल इफ आई कूड ऑल्सो हाइबरनेट। देखो ये इसमें विंटर के बारे में बताया गया है, है ना। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू करते हैं। पहला है चूज द करेक्ट आंसर, द विंटर विंड्स ब्लो। देखो पहला हमें ही दिया गया है द विंटर विंड्स ब्लो, है ना। ब्लो कैसे, वो विंटर यानी कि ठंड का जो हवा था वो कैसे चल रहा था, सॉफ्टली नॉइजीली हार्शली या जेंटली। इसमें लिखा गया है ना ब्लोइंग हार्शली, तो यहाँ पर हार्शली कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में, तो सी विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द स्नो अंडर द नरेटर्स फीट बोदर्स हिज डैश। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है स्नो अंडर माई फीट बोदरिंग माई टोज, है ना। किसको बोदर कर रहा था, टोज को। तो यहाँ पर टोज कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। व्हाट इज द पोएट स्नगल्ड अंडर, इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा आपको। द पोएट इज स्नगल्ड अंडर अ वर्म क्विल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डज द पोएट विश, पोएट क्या चाहते थे। द पोएट विशेष टू क्रैकल ऑफ ए फायर एट नाइट विथ हॉट वाटर बॉटल क्लोज्ड टू हिज साइज। नेक्स्ट में दिया गया है राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से दो वर्ड, मतलब यहाँ जो दो वर्ड दिया गया है उसको आप लोग पैसेज में से उसका एंटोनिम खोजने की कोशिश करोगे। तो जेंटली का एंटोनिम क्या हो जाएगा, हार्शली, जो कि पैसेज में यूज हुआ है, एंड शैलो का हो जाएगा डीप, जो कि पैसेज में यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर फोर एंड फाइव। क्वेश्चन फोर में दिया गया है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन यूज ऑफ पॉलीथीन, पॉलीथीन के बारे में, पॉलीथीन के यूज के बारे में आप लोगों को एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। और मैं कुछ इस तरीके से आपको बताई हूँ, आप लोग इसमें सुधार भी कर सकते हैं अपने मन से, आप लोग क्रिएटिविटी, आप अपना क्रिएटिविटी दिखा के इसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स का प्रयोग करके आप अपने हिसाब से पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। ये जस्ट एक आइडिया देने के लिए मैं बस इतना बताई हूँ। तो पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। पॉलीथीन मेड विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन नेवर डिस्ट्रॉय, है ना। पॉलीथीन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। सम पीपल गोज टू मार्केट एंड ब्रिंग्स देम इन पॉलीथीन बैग, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि मार्केट जाते हैं और मार्केट में जो सामान लेते हैं उसको पॉलीथीन बैग में लेके आते हैं। क्यों, बिकॉज दे फील सेन टू टेक बैग इन हैंड, क्योंकि उन लोगों को बैग लेके जाना, मार्केट बैग लेके जाना सेन फीलिंग होता है। परहैप्स दे डोंट नो दिज पॉलीथीन्स मेक में बिकॉज ऑफ मैनी डिजीज, ठीक है।
people think polythene bags most convenience and inexpensive, so some people do the business of polythene bags. अब people को पता भी नहीं है कि polythene bags का कितना इफेक्ट होता है ना, बैड इफेक्ट्स होता है एनवायरनमेंट के ऊपर. When people made first time polythene bag, it became soon popular. जब polythene bag शुरुआत में जब polythene bag बना तब ये बहुत जल्दी ही पॉपुलर हो गया था. क्यों? बिकॉज दे डिड नॉट नो इट्स बैड इफेक्ट, क्योंकि लोगों को इसका बैड इफेक्ट के बारे में पता ही नहीं था. इट इज़ हार्मफुल बिकॉज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, बिकॉज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स. ये हार्मफुल होता है क्यों? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स से बना होता है. इफ वी थ्रो वेस्ट पॉलीथीन इन द फील्ड, ड्रेन्स एंड गटर्स ऑल्सो बी चोक बाय द पॉलीथीन. अगर हम लोग उसको फील्ड में या ड्रेन में या गटर में फेंकेंगे तो ये चोक हो सकता है. व्हेन द ड्रेन्स एंड गटर्स चोक इट्स हैम्पर फ्लो ऑफ सीवेज, सो दिस इज हार्मफुल इन आवर डेली लाइफ. और फील्ड है, ड्रेन है, गटर है, ये चोक हो जाएगा तो हमारा जो डेली लाइफ है इसके लिए हानिकारक हो सकती है. इफ एनी स्ट्रे एनिमल ईट द इंटेस्टाइन विल बी चोक्ड एंड एनिमल वुड बी डाइड. अगर एनिमल जानवर लोग इसको खा देते हैं तो उनका इंटेस्टाइन चोक हो सकता है और एनिमल्स की मृत्यु भी हो सकती है. सो वी कैन से इट इज़ सो हार्मफुल, इसलिए हम लोग इसको हार्मफुल भी बोल सकते हैं. आई थिंक द गवर्नमेंट शुड बैन सेलिंग ऑफ पॉलीथीन बैग्स, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे कि पॉलीथीन बैग का सेलिंग जो है वो बंद हो सके. ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का पैराग्राफ राइटिंग होता है कंप्लीट. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है डू एज डायरेक्टेड. 5 आपको दिया गया है. पहला है सी हेल्प्स हर मदर इन किचन, इसको आपको एम्फेटिक बनाना है. सेकंड में क्वेश्चन टेक बनाना है, फिर एम्फेटिक, फिर क्वेश्चन टेक, फिर एम्फेटिक. देखते हैं इसका सॉल्यूशन. इसका सॉल्यूशन कैसे लिखोगे? सी हेल्प्स हर मदर इन किचन, तो इसके एम्फेटिक बनाओगे तो सी डज हेल्प हर मदर इन किचन. क्योंकि एम्फेटिक जब बनाते हैं हम लोग तब डू डज या डिड का प्रयोग होता है ना. पहला यहाँ पर हेल्प्स दिया हुआ है, हेल्प में एस लगा है तो यहाँ पर डज का यूज करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन टैग में लिखना था तो बिल वर्कड हार्ड है ना, ये था क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल वर्कड हार्ड. डिडंट ईट, देखो ये पास्ट टेंस में है इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड लिए, और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग हमारा नेगेटिव होगा है ना, इसलिए इसका डिडंट ईट आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क. और ईट क्यों यूज हुआ? क्योंकि हम लोग इसमें बिल जो कि एक नाउन है उसका यूज नहीं कर सकते, नाउन के बदले हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं और बिल एक नॉन लिविंग थिंग है इसलिए उसके लिए ईट का यूज करेंगे. राम हेल्प्स हिज फादर इन द फील्ड, इसका भी सेम वही है, हेल्प्स का डज हेल्प हो जाएगा है ना. राम डज हेल्प हिज फादर इन द फील्ड. यू विल वर्क हार्ड, ये इसको आप लोग करोगे है ना क्वेश्चन टैग तो विल का विलंट हो जाएगा और यू का यू रहेगा क्योंकि वो प्रोनाउन है. नेक्स्ट आई गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग, तो इसमें हो जाएगा आई डू गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग. क्योंकि यहाँ पर एस नहीं लगा था तो हम लोग डू का यूज किए ना, तो ये पास्ट टेंस था है ना. पास्ट टेंस रहता तो डिड करते है ना, और वर्ब में एस लगता तो डज करते, और सिंपल गेट अप है इसलिए डू गेट अप करके सेंटेंस को लिख देना है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो सॉल्यूशन का वीडियो है एंड होता है स्टूडेंट्स. और आपको ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलना, और पास में जो बेल आइकन बटन होगा सब्सक्राइब बटन को जब आप टच करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन दिखाएगा बेल आइकन बटन का, और उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा तो ऑल को आप प्रेस करोगे तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.